मंगाया है ये ऑनलाइन, ऑनलाइन मंगाया, ऑनलाइन मंगाया है ये। दो दिन पहले एक खबर आई कि यूपी के उन्नाव जिले में एक किसान के खेत में सोने की मूर्तियां निकली हैं, जो देवी देवताओं की हैं। जैसे ही ये खबर आई हंगामा मच गया, लोगों की भीड़ उस खेत में जुटने लगी और तब से आज तक लोगों ने मूर्तियों पर जमकर चढ़ावा चढ़ाया है। लेकिन जब आज पुलिस ने एक नया खुलासा किया तो लोगों के पैर के नीचे से जमीन खिसक गई। पुलिस के मुताबिक खेत के मालिक का खेत में सोने की मूर्तियां निकलने का दावा पूरी तरह से झूठा है। उसने मूर्तियों को ऑनलाइन मंगाया था, जिसकी कीमत मात्र 165 रुपए है। इन नकली मूर्तियों से उसने मात्र दो दिन में चढ़ावे से 35,000 रुपए कमा लिए। ये मामला पासीवन थाना क्षेत्र के महमूदपुर गांव का है। महमूदपुर गांव के निवासी अशोक और उनके दो लड़के पिछले दो दिनों से गाँव के लोगों को ये बहला फुसला रहे थे कि उनके खेत में कोई सपना आया है, जिसके माध्यम से उन्होंने खेत में खुदाई की और खुदाई में मूर्तियां निकली हुई है और वहाँ पर अपनी मंदिर स्थापित करना चाह रहे थे। तो उनको प्रथम पहली बार उनको समझाया गया, बाद में जब इस मैटर की जांच की गई तो पाया गया कि ये मूर्तियाँ उन्होंने नजान से मंगाई हुई थी, जिसके प्रमाण भी मिले हमें। और गांव के लोगों को सही बात बताई गई और ये जो लोग लोगों को बहला फुसला रहे थे, बरगला रहे थे, उनकी आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। इस खुलासे के बाद भी लोग ये मानने को तैयार नहीं थे कि खेत से मूर्ति नहीं निकली है, जिसके बाद पुलिस ने खुद खेत में बैठे लोगों को समझाया और फोन में ये दिखाया कि ये मूर्ति ऑनलाइन मंगवाई गई थी, तब जाकर लोगों को भरोसा हुआ। मंगाया है ये ऑनलाइन, ऑनलाइन मंगाया, ऑनलाइन मंगाया है ये, जले वाले नहीं है, ऑनलाइन मंगाया है ये, देख रहे हो ये गोरे लाल ने डिलीवर किया है। बता दें कि उस गांव के लोगों का कहना है कि अशोक का बेटा रवि मानसिक रूप से बीमार रहता है, परिजन उसका इलाज करा रहे हैं। कई दिनों से वह परिजनों से कह रहा था कि उसे सपने में माता लक्ष्मी दिखाई दे रही हैं। वह कह रही है कि मैं भूमि में गड़ी हूँ, मुझे बाहर निकालो। तब से वह फावड़ा और खुरपी लेकर खेत में खुदाई कर रहा था, लेकिन अब जब पुलिस ने झूठ की पोल खोल दी तो लोगों को सच्चाई का पता चला। ऑनलाइन मंगाया है ये।